हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हंगरी द फूड एक्सप्लोरर। आज मैंने बनाई है वेजी पिज्ज़ा, तो आइए देखते हैं कैसे बना है। बाज़ार से मैंने पिज़्ज़ा बेस खरीद के लाई है और अब इसमें अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी शेजवान चटनी। ये बहुत तीखा है तो खा के मज़ा आएगा। नेक्स्ट स्प्रेड करूंगी पिज्ज़ा सॉस, इससे फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। और अब टॉपिंग्स की बारी। ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट मैं इसके ऊपर सजा के दे दूंगी। और अब है ढेर सारा चीज़ की बारी। ये इतना सारा चीज़ देख के ही मेरा बेटा बहुत खुश हो गया। और फिर घर में आज बन रहा है पिज़्ज़ा, तो उसकी खुशी का लेवल कुछ और ही है। लग रहा है कि पिज़्ज़ा ये की बारिश हो रही है चीज़ की। और अब स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक दूंगी, थोड़ा ब्लैक पेपर और ओरिगैनो स्प्रेड कर दूंगी। और अब प्रीहीटेड ओवन में 10 मिनट तक इसको रखूंगी 250 डिग्री सेल्सियस में। ये अच्छा ही बन रहा है, बाहर से मैं देख रही हूँ। निकाल के देखते हैं ये कैसा हुआ है। मुझे लगता है कि 10 मिनट कुछ ज़्यादा ही हो गया। थोड़ा सा और कम समय अगर मैं इसको रखती तो अच्छा होता, क्योंकि इसका जो एज जो है, जो साइड का जो पार्ट है वो थोड़ा सा जल गया। लेकिन ये पिज़्ज़ा ख़राब नहीं हुआ, लेकिन साइड का हो गया, थोड़ा सा जल गया, तो ये बहुत क्रिस्पी भी बना था। ये देखिए कितना सुंदर और ज़बरदस्त लग रहा है, मैं इसको खा के देखती हूँ। OMG, ये बहुत ही टेस्टी है। मुझे लग रहा है कि दुकान से भी ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। मैं फिर से दूसरी टाइप का भी बनाऊंगी, कोशिश करूंगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।